वेलकम टू दी लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। माई नेम इज़ अमित वर्मा फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन सत्यम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। जो आज का जो टॉपिक है वो अपना है चैप्टर हीट ट्रीटमेंट के जो चैप्टर अपना हीट ट्रीटमेंट का चल रहा अपना उस दे विच आपां एक टॉपिक रहिंदा सीगा अपना जिहड़ा कि स्टील के बारे से। स्टील नूं आपां अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील आपां इसनों स्टील नूं चार हिस्सों च डिवाइड किया जाता है। फस्ट किया जाता फेराइट, सैकेंड सीमेंटाइट, फोर्थ अस्टेनाइट एंड फर्स्ट फेराइट, सैकेंड सीमेंटाइट, थर्ड अस्टेनाइट एंड फोर्थ पीरियलाइट। सो उस दे विच आपां आयरन कार्बन। सो जिदा जिदा टैंपरेचर एंड कार्बन की मात्रा इनक्रीज़ होंदी आ जां घटदी आ वधदी आ उदा ही एक स्टील का जो स्ट्रक्चर बन जाता है। सो स्टील के जो स्ट्रक्चर के बारे आप गल करांगे किदा किदा स्टील का स्ट्रक्चर बनता है। सब तो पहला तो गल करते हैं डायग्राम के विच। डायग्राम के विच एक फस्ट आए जो तुम देख रहे हैं इधर टैंपरेचर इनक्रीज़ होता पाया, इधर कार्बन कंटेंट इनक्रीज़ होंगे, कार्बन की परसेंटेज इनक्रीज़ होंगी पी। इस दे विच डायग्राम के विच समझांगे जो जो स्टील का जो स्ट्रक्चर जो चेंज होंदा आ वो क्रिटिकल टैंपरेचर लोअर क्रिटिकल टैंपरेचर तो बाद जो उसका जो रियल स्ट्रक्चर वो चेंज होना शुरू हो जाता है। सो उसके बाद गल करांगे क्रिटिकल टैंपरेचर की होंदा। क्रिटिकल टैंपरेचर वो होंदा आ जिस दे विच जो जदों टैंपरेचर इनक्रीज़ होंदे होंदे एक थां ते जदों रुक जाता है कुछ टाइम दे लई, ठीक है, रुकिया रहिंदा, हीट नहीं इनक्रीज़ होंदी, हीट उत्थे टिक जाती है, टैंपरेचर उत्थे रुक जाता है, उसनों कहिंदे आ लोअर क्रिटिकल टैंपरेचर। ते जदों उस वो टैंपरेचर कितना होंदा है 727 डिग्री सैलसीयस दे जो क्रिटिकल टैंपरेचर है 727 स्टील दैट। एंड जो एक आता है अपर क्रिटिकल टैंपरेचर, अपर क्रिटिकल टैंपरेचर जो आता वो इस पॉइंट पर आता है। इस दे विच की होंदा है कि इस दे विच भी वही होंदा है कि टैंपरेचर एक टाइम दे आ के टैंपरेचर इनक्रीज़ होना बंद हो जाता, उसनों कहते हैं अपर क्रिटिकल टैंपरेचर एंड लोअर क्रिटिकल टैंपरेचर। इस दे विच की होंदा है जो स्टील का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होना शुरू हो जाता लोअर क्रिटिकल टैंपरेचर तो लैके अपर क्रिटिकल टैंपरेचर के। इस दे विच आपां गल करते हैं सब तो पहला पेरलाइट की, फेराइट की। सब तो पहला फेराइट, फेराइट वो मटीरियल आ जिस दे विच जो कार्बन की जो मात्रा होंदी है वो घट होंदी है एंड आयरन की मात्रा आयरन की परसेंटेज ज़्यादा होंदी है। जिस दे विच की होंदा है कि जो फेराइट होंदा आ वो डक्टाइल मटीरियल होंदा है और उसकी जो स्ट्रेंथ होंदी है वो घट होंदी है। सो सैकेंड गल करते हैं सीमेंटाइट, सीमेंटाइट थोड़ा फेराइट का फेराइट एंड कार्बन का थोड़ा मिक्सचर होंदा है जिस दे विच कार्बन की जो परसेंटेज होंदी थोड़ी ज़्यादा होंदी है। सो ना ज़्यादा हो थोड़ा जो सीमेंटाइट होंदा है, सीमेंटाइट की गल करते ना सीमेंटाइट आ वाला हिस्सा। सो सीमेंटाइट जो होंदा वो हार्ड मटीरियल होंदा है, ठीक है, ब्रिटल होंदा है जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होंदी है। थर्ड गल करते हैं, थर्ड से आ जाता अपना अस्टेनाइट। अस्टेनाइट एक मटीरियल होंदा है जिस जो कि बहुत ही ज़्यादा जिस दे विच कार्बन की जो परसेंटेज होंदी बहुत ज़्यादा होंदी है, जो अजकल जो यूज़ होंदी पई है स्टील अस्टेनाइट होंदी है, जिस दे विच की होंदा है ये की है ये पैरामैगनैटिक मटीरियल होंदा है जिस दे विच मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होंदी है, बहुत घट मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़ होंदी है। सो फेराइट जोड़ा होंदा है उस दे विच मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत होंदी है, अस्टेनाइट जिस दे विच मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होंदी है। सो बहुत ही ज़्यादा हार्ड मटीरियल होंदा है। एंड लास्ट होंदा है सीमेंटाइट, सॉरी लास्ट हैगा पेरलाइट। पेरलाइट पेरलाइट दो चीज़ों का मिक्सचर है, एक होंदा है फेराइट एंड सीमेंटाइट। सो जो पेरलाइट एंड सीमेंटाइट जो मिलते हैं तो वो जो तीजा स्ट्रक्चर बनता होंगे वो बनता है पेरलाइट का। इस दे विच जो डायग्राम की आप गल करते हैं
डायग्राम के अपने को चार तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं स्टील के। हुण जो ही अपना टैंपरेचर एक लोअर क्रिटिकल टैंपरेचर तो लैके अपर क्रिटिकल टैंपरेचर दे विच तो इस तो लैके आ हैगा अपना लोअर एंड अपर क्रिटिकल टैंपरेचर। जो ही टैंपरेचर अपर क्रिटिकल टैंपरेचर तो इनक्रीज़ होंदा है तो उदो केड़ा स्ट्रक्चर बनता है ऑस्टेनाइट। एंड उस तो अपना कार्बन की परसेंटेज देख लीए कि कार्बन पर दी परसेंटेज भी इनक्रीज़ होंदी है तो जो टैंपरेचर भी अपना अपर क्रिटिकल टैंपरेचर तो उपर हो जाता तो वह स्ट्रक्चर बनता है ऑस्टेनाइट। एंड उस तो जेकर आप देखिए कि अपनी कार्बन की परसेंटेज जेकर गल करिए कि जेकर कार्बन की परसेंटेज 0.8 तक आ एंड जो अपना टैंपरेचर आ लोअर क्रिटिकल टैंपरेचर तो घट आ तो उदों स्ट्रक्चर बनते हैं फेराइट एंड पेरालाइट। एंड जो उस दे विच जो स्ट्रक्चर बनते हैं लोअर क्रिटिकल टैंपरेचर तो लैके अपर क्रिटिकल टैंपरेचर दे विच जो स्ट्रक्चर बनते अपने वह बनते हैं जिस दे विच कार्बन की परसेंटेज घट होंदी है जो वह बनते हैं फेराइट एंड ऑस्टेनाइट। एंड जो कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है अपर एंड लोअर क्रिटिकल टैंपरेचर दे विच तां उदों ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट बनते हैं। सो इदा गल करते हैं कि नैक्सट हैगा अपना रह गया सीमेंटाइट एंड पेरालाइट। सीमेंटाइट एंड पेरालाइट जो स्ट्रक्चर बनते अपने वह बनते हैं जो अपनी कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होंगी है एंड टैंपरेचर अपना लोअर क्रिटिकल टैंपरेचर तो घट हों तो उदो बनता अपना सीमेंटाइट एंड पेरालाइट। सो वो यदा हो गया अपने अकॉर्डिंग टू टैंपरेचर एंड कार्बन डायग्राम। टैंपरेचर कार्बन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ। सो इस डायग्राम थोड़ा ध्यान न समझिए। सो चार तरह के स्ट्रक्चर तो आप गल की है। फस्ट की फेराइट, सैकेंड की आप सीमेंटाइट, थर्ड की ऑस्टेनाइट एंड फोर की पेरालाइट। सो अकॉर्डिंग टू टैंपरेचर एंड कार्बन परसेंटेज इसका जो स्ट्रक्चर है किदा बनना किस टैंपरेचर से जाकर ऑस्टेनाइट बनेगा किस उसकी कार्बन परसेंटेज कितनी होएगी किस टैंपरेचर से जाके अपना ऑस्टेनाइट बाकी जो स्ट्रक्चर है किदा किदा बनेंगे वो मैं तुहानू दस्या। सो इसनू ध्यान ना गौर ना देखना है किदा किदा ये स्ट्रक्चर बनते हैं। सो जिहड़ा स्ट्रक्चर बनते हैं तुहानू ही ट्रीटमेंट प्रोसैस में ज़्यादा समझ ज़्यादा डीपली समझन विच तुहानू मदद करेंगे। ठीक है, थैंक यू।